तो बात करते हैं कि PSW मिल रहा है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो मुझे पता है यार आप लोग कौन सी न्यूज़ देखने के लिए वीडियो देख रहे हो, और मुझे याद है ऑलमोस्ट एक महीना हो गया हर बंदे का सांस रुका पड़ा था कि यार हम लोगों को PSW फर्दर मिलने वाला या नहीं मिलने वाला। PSW होता क्या है इन शॉर्ट, थोड़ा सा पहले वो बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ स्टूडेंट्स हैं जो कि अपना प्रोसीजर शुरू करवा चुके हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है कि यार PSW है क्या और ये बंद क्यों हो रहा था बेसिकली। तो भाई PSW एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको यहाँ पर स्टडी करने के बाद, अगर आप लोग यहाँ पर बैचलर्स पे आए हो या मास्टर्स पे आए हो, तो आपको 2 ईयर्स का मिलता है, ठीक है, जिसको हम पोस्ट स्टडी वर्क भी कहते हैं। या अगर आप लोग PhD के ऊपर आते हो तो आप लोगों को 3 साल का मिलता है, जिसके ऊपर आप 3 साल अनलिमिटेड कोई भी काम कर सकते हो, या आप लोग अपनी फील्ड की जॉब यहाँ पर लेके यानी कि स्किल वर्कर वीज़ा लेके यहाँ पर सेटल डाउन भी हो सकते हो। लेकिन सेटल डाउन होने के लिए अगर आप वर्क वीज़े के ऊपर यहाँ पर रहते हो तो आपको 5 साल काम करना पड़ता है, अगर आप बिजनेस वीजा पे रहते हो तो आपको 3 साल काम करना पड़ता है। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी PSW की। और PSW को बंद क्यों कर रहे थे? PSW को बंद बेसिकली इस वजह से कर रहे थे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो कि यहाँ पर आते थे, स्टडी करते नहीं थे, या इलीगल हो जाते थे, या सैलम डाल देते थे, या यहाँ से इटली फ्रांस कहीं पे चले जाते थे। वो कहते थे कि यार यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं है, जो कि मुझे लगता है उनकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, जो कि UK छोड़ के इटली फ्रांस जैसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पर लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है मेरे ख्याल में, और वहाँ पर वर्क भी इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं घूम के आया हूँ कुछ सिटीज़ वहाँ पर, लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा यूरोप के अंदर। हाँ अच्छा है, साफ सफाई है, क्लून अच्छा है, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अगर आपको वहाँ की लैंग्वेज आती है तो फिर ही वहाँ पर ज़्यादा मिलती हैं। तो UK गवर्नमेंट ने मैक की जिम्मेदारी लगवाई थी, जो कि यहाँ की माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी होती है, उनको बोला था कि भाई हमें यह देख के बताओ कि कितने % स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ पर आकर PSW लेते हैं, या PSW ले रहे हैं, या अपनी स्टडी छोड़ के वो नेक्स्ट कन्वर्ट हो रहे हैं। तो उसकी सारी डिटेल्स उन्होंने मांगी थी, और उसके ऊपर वो लोग बताएंगे कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, UK गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, नेक्स्ट क्या ऐसा स्टेप लेना चाहिए कि लोगों को PSW फर्दर देना चाहिए नहीं देना चाहिए। फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑलमोस्ट ये बंद हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैंने अभी 1 हफ्ते पहले सुना है, लेकिन आई एम नॉट कन्फर्म, क्योंकि मैं उसकी वीडियोज बनाता नहीं हूं, तो मैंने उसकी बहुत डिटेल्स नहीं देखी, लेकिन एक दो बंदे जो वहां पर रहते हैं मैंने उनसे सुना था, लेकिन आई एम नॉट कन्फर्म। अगर किसी को पता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। लेकिन भाई ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के वीजे ऑलमोस्ट रिजेक्शन पे ऐसे हैं कि 5% चांस होता है कि आपका वीजा लगेगा, ठीक है, लेकिन UK के अंदर अभी भी आप लोगों के ऑलमोस्ट 99% चांस होते हैं कि आपका वीजा लगता है, अगर आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं। तो बात करते हैं इस न्यूज़ के ऊपर कि भाई जो स्टूडेंट PSW लेना चाह रहे हैं 2024 के अंदर, उन लोगों को मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो कि नए स्टूडेंट्स आने वाले हैं, जो कि प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं, उनको तो मिलेगा, जैसे कि मैं हूं, ठीक है, मैं अपनी स्टडी कंप्लीट कर चुका हूं, मुझे PSW मिलेगा 2 साल का। लेकिन अगर आप लोग आ रहे हो तो आप लोगों को PSW मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो वो बात ये है कि अभी UK गवर्नमेंट ने कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं दी, यानी कि UK गवर्नमेंट जिस तरह एक कमेटी बैठा के बोलते हैं ना, तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। लेकिन मैक की जो न्यूज़ निकली है उसके अंदर उन्होंने बताया कि भाई PSW के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होने वाली। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि मैक ने जितनी भी न्यूज़ दी है उन्होंने ये बताया कि भाई 53% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं, ठीक है, अपना वीज़ा चेंज करवा लेते हैं, जिनके अंदर तकरीबन 38% जो लोग हैं वो अपना ग्रेजुएट रूट के ऊपर चले जाते हैं, जो कि PSW ले लेते हैं, और उनमें से कुछ परसेंट तकरीबन 12% ऐसे लोग हैं जो कि नेक्स्ट अपना स्किल वर्कर वीज़ा के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, जो कि उन्होंने कहा है कि कोई बुरी न्यूज़ नहीं है। इस वजह से हमें लगता नहीं है कि इसको बंद करना चाहिए। तो अभी UK गवर्नमेंट, एक तरह से UK की वेबसाइट के ऊपर ये पब्लिश हो चुकी है, मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा, आप लोग जाके भी देख सकते हो। लेकिन एक होता है ना कि जैसे ये लोग जैसे पिछली जितनी भी न्यूज़ें हुई हैं वहाँ पर उन्होंने बैठ के खुद कहा है कि यार हमें ये करना चाहिए, जैसे कि हमारे यहाँ का हमारे तो नहीं, खैर यहाँ के गवर्नमेंट के जो प्रेजिडेंट हैं उन्होंने अब तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं दी, लेकिन जो मैक है, जो कि यहाँ की कमेटी है, उन्होंने ये न्यूज़ दे दी है कि भाई जितने भी यहाँ पर लोग रह रहे हैं PSW के ऊपर वो ठीक तरीके से रह रहे हैं। उसको बंद करने का रीज़न भी यही था कि यहाँ पर उनको लगता था कि यार उसका मिसयूज़ हो रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसका कोई भी मिसयूज़ नहीं हो रहा, दैट्स वाई हमें नहीं लगता कि इसको बंद करना चाहिए। हमारी तरफ से 100% श्योरिटी है कि आपको PSW मिलेगा ही मिलेगा। तो मेरे ख्याल में 99% ये कन्फर्म्ड है कि आपको PSW मिलेगा, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर कोई भी इस तरह की कमेटी बोल चुकी है जिसको बोला था UK गवर्नमेंट ने, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी अपना प्रोसेस करवा रहे हैं वो लाजमी आओ। अब वो बंद इसको इस रीजन पे बेसिकली नहीं कर रहे, क्योंकि
यहाँ पर जितनी यूनिवर्सिटीज़ है ना यार, यहाँ के जो ब्रिटिश है ना उनको यहाँ पर या तो फुली फंडेड ये स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, यानी कि फुली फंडेड स्टडीज़ मिलती हैं, या उनको 50% पे करना पड़ता है, ठीक है। तो वो जो यूनिवर्सिटीज़ है ना वो अपनी जेब से ऑलमोस्ट इनको पे करती हैं या गवर्नमेंट इनको पे करती है। तो वो कह रहे हैं कि भाई जो बाहर से स्टूडेंट आते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं, उनकी फीसिस की वजह से यहाँ पर ये सर्कल बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, और जो रिसर्च बेस यहाँ पर होती है वो इन्हीं की वजह से होती है। दैट्स वाई जो है हम नहीं चाहते कि भाई इसको बंद करें, अगर बंद करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। सो दैट्स वाई उनका जो मेन यही रीज़न है कि भाई हम इसको नहीं बंद करना चाह रहे। और 4 से 5 ऐसी नेशनलिटीज़ हैं जो कि मैं आपको अभी बताता हूँ, तकरीबन 5 नेशनलिटीज़ हैं जिसमें इंडिया सबसे वन है, जिसमें से 89,231 लोगों ने लास्ट ईयर यानी कि 2023 के अंदर अपना पोस्ट स्टडी वर्क लिया यानी कि PSW लिया। उसके बाद नाइजीरिया आ जाता है जो कि 23,648% है। उसके बाद चाइना आ जाता है तकरीबन 22,000। उसके बाद पाकिस्तान जो कि 14,000 पे है। उसके बाद आता है यूएस के स्टूडेंट भी यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं, उनमें से तकरीबन 7,500 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने यहाँ आके PSW लिया, जो कि उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बैड न्यूज़ नहीं है, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। तो भाई जो भी अपना प्रोसेस करवा रहे हैं तो मैं कहूँगा भाई बेस्ट ऑफ लक ज़रूर आओ, गुड अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कनाडा ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं, यूएस में वैसे ही बहुत ज़्यादा रिजेक्शन होती हैं। और अगर कोई स्टूडेंट प्लान कर ही रहा है और वो सोच रहा है कि यार कहाँ पर जाऊँ, कहाँ पर मुझे जाना चाहिए, किस ऐसी यूनिवर्सिटी में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा, यहाँ पर फीस भी कम मिले और जहाँ पर आप लोगों को काम भी अच्छे तरीके से मिल जाए, तो वो मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं, तो मैं भी उसकी एडमिशन में हेल्प कर सकता हूँ। फुली फंडेड मैं किसी की हेल्प नहीं कर सकता। हाँ मैं ट्राई करूँगा 1-2-3 हज़ार पाउंड से लेकर 5,000 तक जितना आपको डिस्काउंट दिलवा सकूँ मैं आपको दिलवा दूंगा, लेकिन आपकी स्टडी कम्प्लीट होनी चाहिए। बेशक आप इंटर पर आ रहे हो, बेशक आप मास्टर्स पर आ रहे हो, बैचलर्स करके आ रहे हो, तो बेस्ट ऑफ लक जो भी आना चाह रहे हैं, तो भाई अपना अपना प्रोसेस कंटिन्यू रखो, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। PSW इंशाल्लाह आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आप लोगों की टेंशन थोड़ी सी कम हुई होगी, क्योंकि सुबह से इतने मैसेज आ चुके हैं, पर सीन ये है कि आपके वहाँ पर रात हो गई है, यहाँ पर अभी दोपहर हुई है, ठीक है। और मैं बारिश की वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मौसम अभी भी आप देख रहे हो थोड़ा ठंडा सा है, बारिश होकर हटी है, दैट्स वाई थोड़ी सी मैं लेट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो भाई टेंशन नहीं लेनी, जो अपना प्रोसेस करवा रहे हैं तो सुकून से करो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आप लोगों को थोड़ी सी रिलीफ मिली होगी, रिलीफ मिली है तो भाई वीडियो कर देना लाइक, चैनल पर नहीं हो तो चैनल करना सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।